हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र के हल्दू चौड़ डोलिया निवासी ग्राफिक एरा के छात्र दिव्यांशु पांडे का शव मिलने के बाद आज परिजनों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए दिव्यांशु की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु की हत्या की गई है और उसकी आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकार नितिन लोहानी का कहना है कि शव की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी आगे की जांच शुरू करेगी। फिलहाल परिवार को भी पुलिस द्वारा की जाने वाली सारी कार्रवाई से अवगत कराया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हत्या है तो साफ साफ हत्या है। पुलिस का कहना है? पुलिस का कहना है हम जाँच कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। आखिर हमें पता तो चले कि वहाँ पे हुआ क्या, उस जंगल में हुआ क्या, हमें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। हमारा भतीजा कल दीपांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 2 बजे घर से निकला था उसके ग्राफिक एरा जाने के लिए। ग्राफिक एरा में थर्ड ईयर है। उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है, उसका फोन आया कि क्या कहते हैं आपका लड़का यहाँ जंगल में पड़ा है, ये है वह है, मार दिया है करके इस तरीके से उसने कॉल करा था। उसके बाद 3:50 में फिर उसकी मेरी भतीजी खुशी जो पांडे को फोन आया कि मारे तुम को अगर मुझे फंसा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा करके उसका फोन आया था। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ, और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो है उसके बाद। कौन लड़का है वो? वो सुमित यादव। मामला क्या है? अभी शिव साहब के पास मिलने के लिए तो हम SSP साहब से आए थे, तो मगर SSP साहब शायद बाहर थे तो शिव साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो कल घटना हुई, हमारे ग्राम सभा का एक युवक है दिव्यांशु, उसको संदिग्ध हालतों में वहाँ पर मौत हुई है ये यहीं जंगल के बीच में, और इस पे जो है हम लोगों ने उनसे कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी तत्काल तहरीर लेके मुकदमा करने की भी बात कही है और बाकी इसमें आवश्यक कार्रवाई भी करने की बात कही है। इसमें जो परिवार ने आशंका जताई है वो पूरी हत्या की आशंका जताई है। कोई इनका दोस्त बताया जा रहा है दिव्यांशु का, उसके ऊपर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा मतलब फांसी से लटकने की सूचना आई थी, और हल्दू चौड़ निवासी युवक है जो एक निजी संस्थान में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी जो बॉडी है, जो शव है, वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी के थ्रू, और जो अन्य कार्रवाई है वो भी करवाई जा रही है। अभी तहरीर जैसे ही आती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।